यह साफ जाहिर हो चुका है कि एचआईवी एड्स और इंजेक्शन से नशा करने का सीधा संबंध है, इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा इन दिनों पूरा फोकस ओएसटी प्रोग्राम पर दिया जा रहा है, जिसके तहत इंजेक्शन से नशा करने वालों के पुनर्वास का प्रयास संभव है। आज भी यह भ्रम है कि एचआईवी या एड्स केवल यौन संपर्क की वजह से फैलता है। यही वजह है कि लोग इसे गोपनीय रखना चाहते हैं। इस बारे में चर्चा तक नहीं होने से ही पर्दादारी की आदत बढ़ती जा रही है। लेकिन नई पीढ़ी जिस तरह इंजेक्शन से नशा करते हुए इस दलदल में समा रहे हैं, वे तो बिना यौन संबंध के ही इसका शिकार बन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही यह धारणा बना लिया है कि एचआईवी संक्रमण यौन संपर्कों से ही मुमकिन है। जाहिर है, नशे के दलदल में समाने के बाद पीड़ित का व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक स्तर गर्त में चला जाता है। वह चाहकर भी इस नर्क से बाहर नहीं आ पाता। इस छटपटाहट के समाधान के रूप में ओएसटी सेंटर आशा की किरण की तरह है। ओपियाइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सुई से नशा लेने वाले व्यक्तियों के लिए वैकल्पिक संसाधन है। नाकों के माध्यम से पूरे राज्य में एड्स नियंत्रण समिति इसका संचालन कर रही है। ओएसटी का मुख्य उद्देश्य सुई से नशा लेने वाले व्यक्ति को खतरा और जोखिम से बाहर निकालते हुए संक्रमण से बचाना है, ताकि एक और वह मुख्य धारा में शामिल हो सके और एचआईवी संक्रमण से भी उसका बचाव हो। सरकारी योजनाएं तो समय पे समय चलती रहती हैं यहाँ पे, जैसे कि जो पॉजिटिव क्लाइंट्स आ जाते हैं उनके लिए एआरटी सेंटर्स हैं, जो ड्रग्स ले रहे हैं उनके लिए ओएसटी सेंटर हैं, और ओएसटी सेंटर के अंदर उनको दवा तो मिल ही रही है, उसके साथ साथ जो उनको दूसरी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, जो WHO गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली जो होना चाहिए, उनका समय पे एचआईवी का जांच करना है, उनको दूसरे खतरों से बचाने के लिए उनकी समय पे समय काउंसलिंग करते रहना है। देखिए, इंजेक्टिंग ड्रग्स जो है ये सबसे ज़्यादा हाई रिस्क में माना जाता है। एचआईवी पॉजिटिव होने के जो चार कारण माने गए हैं, उसमें से एक एचआईवी का जो मेन कारण है वो नीडल सिरिंज शेयर करना है। तो यहाँ पे TA चल रहे हैं जो नीडल सिरिंज फील्ड में प्रोवाइड करते हैं, प्लस यहाँ पे सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल रही हैं, उनकी समय पे जांच हो रही है। जैसे कि देखा जाता है तो ये नशे में इतने ग्रस्त होते हैं कि इनको दूसरी जगह जाना या किसी और जगह भेजना तो इनको इनसे हो नहीं पाता है, वहाँ पे लाइन में लगना, भीड़ है, कुछ इनका स्टिग्मा प्रॉब्लम भी आ जाता है कि भेदभाव भी हो जाता है बीच बीच में। तो इसलिए उनको सारी सुविधाएँ एक ही जगह पर देने के लिए यहाँ पर ICC का निर्माण किया गया। ये सेंटर तक लाना मुश्किल काम है, क्योंकि वो अगर ड्रग्स में है तो वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। दूसरा, इसके लिए TAs जो है यहाँ पे लक्ष्यगत हस्तक्षेप जो योजनाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है। जो आउटरीच वर्कर होते हैं TA संस्था के, वो पीयर होते हैं, उनकी उन्हीं में से एक को उठा उनको यानी कि सिलेक्ट करके पीयर बना दिया जाता है, फिर उन्हीं के द्वारा वो उनको नीडल सिरिंज देते हैं, कॉन्डम्स देते हैं, तो उनको यहाँ के लिए मोटिवेट करते हैं। ये सब TA के द्वारा किया जाता है। इसकी मेन वजह अवेयरनेस जो है यहाँ का बहुत कम है। कई बार यहाँ के अगर मैं कम्युनिटी की बात करूँ तो HIV को बहुत हल्के में लिया जाता है कि HIV नॉर्मल एक वायरस है, कुछ भी नहीं ऐसा, जबकि ये बहुत ही खतरनाक है, लाइलाज बीमारी है ये। तो यहाँ के आंकड़े इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि दूर दराज जो गांव है, अगर हम जनरल पॉपुलेशन की भी बात करें, जरूरी जो रिस्क में है वो तो हैं, यानी कि जो इंजेक्शन लगा रहे हैं वो शेयरिंग कर रहे हैं, तो उनको भी अभाव है इस जानकारी का, और उनको पता भी नहीं होता, जाने अनजाने में वो शेयरिंग कर लेते हैं जिसकी वजह से वो वायरस से ग्रस्त हो जाते हैं। और जनरल पॉपुलेशन जो दूर दराज गाँव से आते हैं उनको भी अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में कि HIV। और दूसरा ये भी है कि HIV को एक ऐसी भावना से देखा जाता है कि अरे HIV है तो इसने कुछ गलत ही किया होगा, तो इस दृष्टि से लोग जो है छुप रहे हैं, उभर के सामने नहीं आ रहे हैं। इस ये जो है पॉजिटिविटी फैलती जा रही है एक से दूसरे, दूसरे को तीसरे से ऐसे करके। इस चिकित्सा पद्धति के दौरान नशा लेने वाले व्यक्तियों को दवा की एक खुराक पीस कर दी जाती है, जिसका असर 36 घंटे तक रहता है और 24 घंटे में उसे दूसरी खुराक दी जाती है। इस खुराक को लेने मरीज को ओएसटी सेंटर आना होता है ताकि दवा का दुरुपयोग ना हो सके। ओएसटी मेडिकल सुपरविजन में पूरा किया जाता है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। ये ओएसटी है, ओएसटी ओरल सब्स्टिट्यूशन थेरेपी। इनको जो नशा लेने की जो आदि होते हैं उसको गोली के रूप में ओरल दिया जाता है, क्योंकि इन लोग नशा लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन लोग को सब चीज़ मालूम रहता है कि अपने को शेयर करने से HIV होगा, लेकिन चूंकि वो आदि हो चुके रहते हैं उनका बस की बात नहीं है। यहाँ उनको गोली के रूप में पूरा उनको संतुष्टि मिल जाती है नशे की।
अगर डेली उन लोग आए और अपना नशा, जिससे अपने समाज में क्राइम बढ़ रहा है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। पहले बात तो मैं ये बोलना चाहूँगी, जो आईडीओ होते हैं उन लोग मेहनती बहुत होते हैं। मेहनती इसलिए होते हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए, लेकिन उन लोग गलत रास्ते पे चले गए हैं। उनको प्यार से अपन समझाएं तो हो सकता है। दूसरी बात ये है कि इनको जब शुरू में आते हैं तो लोग विड्रॉल की स्थिति में रहते हैं, तो नशे की स्थिति में रहते हैं। शुरू में तो हमारी बात उनको समझ में ही नहीं आता, वो तो तुरंत गोली दो जो कि संभव नहीं है। फिर कम से कम अगर वो 7 दिन तक आए तो हमारी हम जो बोलना चाहते हैं वो उनके में समझ में आ जाता है। और पहले बात दिक्कतें आ रही है कि शुरू में जो दवाई है थोड़ा कड़ू रहता है, तो लोग बोलते हैं कि हम ये दवाई नहीं खाते, कड़ू है। तो उनको हम लोग समझाते हैं उदाहरण देके, शुरू में जैसे सिगरेट पीने से खांसी आती है, कड़ू हो सकता है शुरू में तुमको अच्छा ना लगता हो, लेकिन धीरे धीरे आप इसकी आदत हो जाओगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप अपने परिवार में भी पुनः इज्जत कमा लोगे और ऐसा कोई क्राइम नहीं करोगे। हमारे यहाँ अभी तक वर्तमान में 410 लोग का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। डेली 50-60 के बीच आ रहे हैं और मंथली LFU बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कारण क्या है कि डेली बोलते हम डेली नहीं आ सकते, हमको घर में दो दवाई, जबकि घर ले जाने का नहीं है, यहाँ उनको क्रेस करके दिया जाता है ताकि उसका मिसयूज ना हो। समाज में इनको सहानुभूति की नज़र से देखना चाहिए क्योंकि एक तरह से बीमार व्यक्ति हैं। बीमार व्यक्ति को जिस तरह हम सहानुभूति से उनको छोड़ सकते हैं, मैंने देखना है। मैं मानती हूँ कि जैसे इन लोग कुआं में गिर गए हैं, कुएं में गिरे हाथ दे के ऊपर निकाला जा सकता है। केवल बोलने बस से नहीं हो गया कि ऊपर आ जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। उनको हम लोग हाथ देते हैं तब जाके ऊपर। उसी तरह अगर हम हर समाज से रखती हूँ कि इन लोगों को ऊपर लाने के लिए सहयोग प्रदान करें। नशे के दलदल में उतरने के बाद व्यक्ति का जीवन पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। इसके भुक्तभोगियों से बेहतर इस बात को भला कौन समझ सकता है। जिला अस्पताल में मौजूद OST सेंटर में अपना इलाज कराने के बाद एक बार फिर जिंदगी पटरी पर लौटी तो औरों की जिंदगी में भी रोशनी फैलाने का प्रयास शुरू किया गया है। अपनी गलतियों से सबक लेने वालों की बातों का असर वॉलंटियर से भी अधिक होता है। बहुत बदलाव आया। पहले क्या है, नशे के लिए सवेरा दोपहर और शाम होता था। जो OST के आने से इतना परिवर्तन आया है कि अब वो धुन नहीं रही। अब घर परिवार को समय देना, बाल बच्चों को समय देना, काम को अपने समय देना, उसके लिए समय बचता है। नहीं तो उससे पहले ऐसा था कि हमारे पास समय की इतनी कमी थी, सिर्फ नशे के व्यवस्था में। अगर सुबह हो गया दोपहर की व्यवस्था, दोपहर हो गई शाम की व्यवस्था, कुल मिला के ज़िंदगी इतने इसी बीच में घूमती थी। और अब इसके आने से इतना रिलीफ है कि अब कुछ करने की अब चाहत है मन में। अपने जैसे साथियों को और जिसमें फंसे हैं उनको बाहर निकालना है। उनको यही बोलना चाहूँगा कि वो भी आएँ, खुल के आएँ और जुड़ें OST से। और OST का फ़ायदा जो गवर्नमेंट के द्वारा नाकों के द्वारा जो सुविधा दी जा रही है, इस सुविधा का फ़ायदा उठाएँ वो। यहाँ पे ये जो वो नशा लेते हैं वो IV नस में लेते हैं, और नस में नशा लेने के लिए 36 प्रकार का रिस्क है उनको। HIV का है, हेपेटाइटिस है, और भी बहुत सारी तरह की बीमारियाँ, एब्सेस प्रॉब्लम हैं। तो यहाँ पे आने पे वही नशा आपको ओरली दिया जा रहा है, जो आप कई बीमारियों से बच रहे हैं, और उसमें आपका पैसा जा रहा है, इसमें आपका पैसा बच रहा है। और वही चीज़ है ये, वो लिक्विड है, ये ओरली दिया जा रहा है। बहुत बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत रिलीफ। अपने आप को एक जो बोझ था मन में वो बोझ उतर गया बिल्कुल। हम उनको जा के फील्ड में हम मोटिवेट करते हैं कि आप भी भाई आगे आओ और OST का फ़ायदा उठाओ। और ये भी वही चीज़ है, उनको हमेशा यही समझाते हैं कि ये वही चीज़ है, आपको वही तसल्ली मिलेगी, वही नशा है ये, और ये ओरली है इसलिए रिस्क से बचे हुए हैं। बिलासपुर में जिला अस्पताल के पीछे नाको द्वारा OST सेंटर का संचालन किया जा रहा है, जहां हर समय 50 से अधिक नशा करने वाले अपना इलाज करा रहे हैं। अब तक सैकड़ों नशेड़ी यहां इलाज कराने के बाद जीवन की मुख्य धारा में लौट चुके हैं। कुछ लोगों के मन में अभी भी झिझक बाकी है, जिन्हें इस सेंटर तक लाने का प्रयास वॉलंटियर और खुद नशे के आदि भी कर रहे हैं। इस प्रयास से जहाँ एक तरफ युवा वर्ग अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट रहा है, वहीं इस प्रयास द्वारा HIV/AIDS पर भी काबू पाने की कोशिश जारी है। कैमरा पर्सन राहुल श्रीवास्तव के साथ।
प्रवीर भट्टाचार्य की रिपोर्ट।